नमस्कार, प्रणाम। कुशवाहा के राज, और आप देख रहे हैं कुशवाहा समाज यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में आप सबको प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू से एंड तक देखिएगा। आज बहुत चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो जो चल रहा है, और कुशवाहा सॉन्ग के बारे में भी बात करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो शुरू से एंड तक देखिएगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, कहना चाहते हैं कि शेयर कर दीजिए। बहुत जल्द हमारा ये चैनल आप सभी के परिवार जो है मोनेटाइज होने वाला है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट थोड़ा कर दीजिए। बहुत जल्द होने वाला है, तो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल बहुत जल्द मोनेटाइज आप सबके बीच में होगा। और अब आप सभी को बता दें कि एक सॉन्ग आया है, डमरू बाजे डम डम नागेंद्र उजाला का, यूट्यूब पे नागेंद्र उजाला लिखिएगा तो सॉन्ग आ जाएगा। तो आप उस सॉन्ग को सपोर्ट कीजिए, बहुत जल्द आप सबके बीच में एक सरप्राइज आने वाला है। कि कुशवाहा सॉन्ग बहुत ही हेवी तरीके से 6-7 कुशवाहा सॉन्ग आने वाला है। सभी का अपडेट आपको देंगे, कल परसों तक अपडेट आपको क्लियर कर देंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने आदमी हमारे वीडियो देखते हैं, कि अमित सैनी रोहतकिया, आप सभी लोग उनको जानते होंगे, क्योंकि उनका बहुत से सॉन्ग हिट है, बहुत से सॉन्ग मिलियन में भी क्रॉस है, जो भी सॉन्ग कहते हैं ट्रेंडिंग में जाते हैं, मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ। तो अब आ गया है आप सभी को टाइम कि उनके पोस्ट पर जाके, अमित सैनी रोहतकिया के पोस्ट पर जाके कमेंट करें कि कुशवाहा सॉन्ग ज़्यादा कमेंट होगा तो वो ध्यान देंगे, क्योंकि उनके पास कमेंट जा रहा है, लेकिन अभी उतना ध्यान नहीं था। आप सभी से रिक्वेस्ट है फेसबुक पे सर्च करके अमित सैनी रोहतकिया के जितने भी आईडी है सभी पे कमेंट करें कि कुशवाहा सॉन्ग लाने के लिए। और बहुत जल्द आप सबके बीच में आएगा कुशवाहा सॉन्ग। और एक और नागेंद्र उजाला को भी आप लोग जाके उनका सॉन्ग सुनिए, उनको सपोर्ट कीजिए। और कुशवाहा सॉन्ग अंतरा सिंह प्रियंका विकास कुशवाहा का जो सॉन्ग आने वाला था, वो भी बहुत एक दो दिन के अंदर पोस्टर रिलीज हो जाएगा आप सबके बीच में। तो हम इस चैनल के माध्यम से आप लोग को बता देंगे। और अब बात करना चाहते हैं अपने समाज के बारे में, कुशवाहा के बारे में। तो बहुत से जगह पे कुशवाहा को मतलब महत्व बोलते हैं, कुशवाहा जाति को महत्व बोलते हैं बहुत से जगह पे। और हम जहाँ से हैं, बहुत लोग जहाँ से हम लोग बात किए हैं, तो उस जगह पर महत्व बोलते हैं कुशवाहा को, ठीक है, बोले कुशवाहा को महत्व बोलते हैं। और बहुत जगह ऐसे है जो कि महत्व एक नूनिया जाति को बोला जाता है, हमारे यहाँ भी नूनिया जाति को मतलब महत्व बोला जाता है। तो इसीलिए हमको दिक्कत होता है। कल एक सॉन्ग रिलीज हुआ था महत्व जी के बेटा, और उसमें कुशवाहा जी का था, और वो बोल रहे हैं कि शेयर कीजिए कुशवाहा जी पर है। तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिए। देखिए, हम पहले भी बोल चुके हैं, कितने बार बोल चुके हैं, आप सभी लोग टाइटल एक लगाइए, कुशवाहा, सिर्फ कुशवाहा लगाइए टाइटल। हम लोग मौर्य सम्राट अशोक के वंशज है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक टाइटल लगाइए। अलग अलग नामों से जाने जाने के कारण आज हमारा समाज अलग अलग हो गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग टाइटल कम से कम एक लगाइए, और अपने समाज में एकजुट लाइए, एकता लाइए, जो कि बहुत ज़रूरी हो गया है आज के डेट में एकता की। और जिस तरीके से अलग अलग ज़िलों में बैठक हो रही है कुशवाहा समाज की, इस तरीके से हर एक ज़िले में होना चाहिए, और सभी कुशवाहा भाई को एक होना चाहिए, एकता होना चाहिए, ताकि हम लोग और हमारे जो पिछले हो लोग के मतलब दिक्कत ना हो, जैसे हम लोग को दिक्कत हो रहा है अभी, हमारे बाल बच्चे हो जो हमारे, उनको दिक्कत ना हो, इसके लिए सभी को एकजुट होना ज़रूरी है। और राजनीतिक में सबसे बड़ी बात कि अपने कुशवाहा समाज को राजनीतिक में मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे वीडियो देखते हैं, कि अपने जब तक राजनीतिक में मजबूत नहीं होगा अपना समाज, तब तक मजबूत करना असंभव है। और राजनीतिक में जो लोग हैं, उन लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने समाज को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अभी आप लोग का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है, ताकि अपने समाज जागरूकता हो, और आप सभी को बीच में कुछ नया नया करने को मिले। और यही बात कहना था कि जो महत्व सॉन्ग निकाल रहे हैं, तो आप एक ना टाइटल रखिए ना, बार बार कहते हैं कि टाइटल एक रखिए कुशवाहा, सोशल मीडिया पे हर एक जगह टाइटल कुशवाहा रखिए। आप सभी, हम लोग मौर्य और सम्राट अशोक के वंशज है। और एक बात और कहना चाहते हैं, जो कि आज तक इस वीडियो में नहीं किए थे, वो कहना ज़रूरी है कि जो लोग इतिहास बताते हैं उनके लिए ये वीडियो है, कि आप लोग इतिहास बताते हैं
जो भारत के वीर थे सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके जैसा योद्धा आज तक नहीं हुआ। आज तक आप लोग उनके इतिहास के बारे में बात की, पूरे विश्व के भारत को बचाए जिनका नाम सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे योद्धा के बारे में आप लोग बात नहीं करते, इतिहास में नहीं बताते। सब जगह इतिहास में सभी के बारे में अभी भी आता है, एक दो चैनल देखे हैं, लेकिन सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप लोग नहीं बताते। ये कहाँ तक अच्छा है? आप इतिहास जब बता रहे हैं तो सभी के बारे में बताइए, सभी के महान महान लोगों के बारे में। चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक जैसे महान योद्धा आज तक नहीं थे, नहीं हैं और नहीं होंगे, और उनके वंशज है कुशवाहा समाज और कुशवाहा मौर्य। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो इतिहास बताते हैं इनके बारे में भी जानकारी दे, ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये लोग भी थे जिनके बारे में, जो विश्व योद्धा थे, आप उनके बारे में बात नहीं करते हैं चैनल पे और चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कुशवाहा समाज के जो इतिहास है उनको ज़रूर बताएं आप लोग, ताकि सभी को पता चले कि हाँ कि कुशवाहा किस वो किस योद्धा के हैं, कि इनका प्रयोजन क्या क्या करते थे, इनके बारे में भी आप लोग बता सकते हैं, बताइए। और वीडियो को एंड करते हैं, कल फिर आएंगे, और आप लोग के जो मन में प्रश्न हो कमेंट करके पूछिएगा, अगली वीडियो में हम सभी प्रश्न का आंसर देंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय कुश, जय कुशवाहा।